Hello everyone, namaskar for the third time today and let's continue with CSAT 2021 का analysis and tricks. तो जो लोग इस वीडियो के लिए पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ क्यों क्योंकि लास्ट ईयर 2020 में जब मैंने अटैम्प्ट दिया था तो मैंने 63 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे. वेरियस आंसर कीज से मेरे एवरेज मार्क्स 120 के आसपास बन रहे थे, 110 से 130 तक का रेंज था उसमें. एंड इवेंचुअली यू विल सी कि भाई मार्क्स मेरे जो आए थे वो 140 आए थे. सो फॉर दैट रीज़न मैथ्स में मैं नहीं बोलूँगा कि भाई बाकी चीज़ आपकी गलत हो सकती हैं, बट इंग्लिश में मे बी दीज माइट बी द सोल्यूशंस जो आपको अक्रॉस द लाइन लेके जाते हैं. एंड इवन इफ एनी थिंग हेल्प्स यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स. क्यों? क्योंकि मेन्स के लिए टाइम कम है एंड 3 हफ्ते बाई द एंड ऑफ दिस मंथ मेन्स का रिजल्ट आ जाना चाहिए, सॉरी प्रिलिम्स का रिजल्ट आ जाना चाहिए. एंड इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट एटलीस्ट मेन्स प्रिपरेशन राइट नाउ, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट डूइंग दैट. एंड बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में बेसिक जानकारी जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या ऐसे देख सकते हैं, मेन्स फोकस ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. लेट्स बिगिन. मेडिवल मर्चेंट्स रिस्क द हैजर्ड्स ऑफ द सिल्क रोड टू रीच द मार्केट ऑफ चाइना. पोर्चुगीज कैरावल्स इन द 15th सेंचुरी सेल्ड बियॉन्ड द बाउंड ऑफ द नोन वर्ल्ड सर्चिंग फॉर नॉलेज, लेस फॉर नॉलेज दैन फॉर गोल्डन स्पाइसेस. हिस्टोरिकली द ड्राइवर्स ऑफ ओपनिंग फ्रंटियर्स हैज ऑलवेज बीन द सर्च फॉर रिसोर्सेज. साइंस एंड क्यूरियोसिटी आर वीकर ड्राइवर्स. The only way to open up space, whether the space of solar system or interstellar space, is to create an economic engine, and that engine is resource extraction. Okay, so which of the following statement best sums up the passage given above? So sums up the passage ki summary statement chahiye hame, right? So let's see. Wealth generation is the primary motive of any human endeavor. Seems like it, but not really. Space, whether space in solar system or interstellar space, will govern a future economy. नॉट रियली, मतलब डायरेक्टली नहीं है. ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाई इकोनॉमिक कंसिडरेशन. दिस सीम्स वेरी वेरी लाइकली. वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ समवन. सो अगेन येस ट्रू, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट समेशन ऑफ दिस पैसेज कि ह्यूमन बींग्स न्यू फ्रंटियर्स का एक्सप्लोरेशन, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर लिखा भी है द ड्राइवर फॉर ओपनिंग न्यू फ्रंटियर्स हैज ऑलवेज बीन सर्च फॉर रिसोर्सेज principally by economic considerations, and economic engine, that engine is resource extraction. So for this reason, answer over here is C. Dot dot dot. Most people will agree that telling deliberate lies is wrong, except perhaps in certain special situations where more harm will be done by telling the truth. Even the most truthful people will probably tell a good many more lies that might be regarded as semantic lies. Their use of words contain some measure of falsehood, more or less deliberate. ठीक है. So before we go forward, ये question number से confused नहीं होना, because when I solved the paper, I used set B, but set B की जो images मेरे पास थी वो बहुत ही घटिया थी, तो ये जो images मैंने लगाई हैं these are from set A. So for that reason ये आगे पीछे हुई हैं. Right. So the idea which the first part of the passage mentions is most people would agree that telling deliberate lies is wrong, except perhaps in certain special situations where more harm will be done by telling the truth. So agree that telling deliberate lies is wrong. Theek hai. The idea which the first part of the passage mention is an agreement about telling lies. Seems very correct, but baki statements dekh lete. Disagreement about telling lies. Disagreement about telling the truth. Disagreement about harm and telling the truth. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है. Disagreement about telling the truth भी नहीं है. Disagreement and agreement about telling lies. तो यहाँ पे क्या, अगेन हमने काफ़ी जो पिछले दो पार्ट ऑफ वीडियोस में भी हमने देखा, तो क्या किया है इन्होंने यहाँ पे? There is an agreement about telling lies. एंड रॉन्ग जो पार्ट है वो यहाँ पे इन्होंने ओमिट कर दिया है. ओमिट माने छोड़ दिया है. तो द आइडिया इज देर इज अ अग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज. दे हैव नॉट टोल्ड यू वट द अग्रीमेंट इज, बट देर इज एन अग्रीमेंट दैट टेलिंग लाइज इज रॉन्ग. इज रॉन्ग वाला पार्ट छोड़ दिया है इन्होंने, बट अग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following habits is found more often in good people? Okay, more often good people. क्या लिखा था यहाँ पे? Even the most truthful people probably tell a good many more lies that might be regarded as semantic lies. Their use of words contains some measure of falsehood, more or less deliberate.
मोर और लेस डिलिबरेट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज फाउंड इन गुड पीपल. मिक्सिंग अप ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स, इंटेंशनल मिक्सिंग अप द ट्रूथ विद फॉल्स, फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, तो ये तो गलत है. कंप्लीट कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ, ये भी गलत है. ए और बी में से कुछ होना चाहिए. तो इंटेंशनल मिक्सिंग अप ऑफ ट्रूथ विद द फॉल्स इंटेंशनल नहीं है. तो सिमेंटिक लाइज है ये, कि भाई जो आप शब्द जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो उसमें मे बी मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड हो सकते हैं. तो मिक्सिंग अप ऑफ ट्रू एंड फॉल्स कैन बी कंसिडर्ड अ गुड ऑप्शन ओवर हियर, बट ऑब्वियसली ए बिकम्स द आंसर ओवर हियर, राइट. सो 72 का भी ए एंड 73 का भी, सॉरी 20 क्वेश्चंस का ए. नंबर से मत जाओ क्योंकि हर सेट में अलग नंबर होगा इनका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ द टाइम आई, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी बोला है, तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये बाकी वीडियोस से भी कहीं से भी देखे हैं, सो दीज आर क्वेश्चंस दैट यू कैन यूज दोज वीडियोस फॉर, बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चन गलत निकालना इज मतलब इसमें गलती नहीं करेंगे लोग, बट इंग्लिश में देर कैन बी सम डाउट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. सो पाई डायग्राम शोज दैट अ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये पाई डायग्राम ऐसा हो गया, राइट. प्रोटीन, वाटर, ड्राई एलिमेंट्स. ठीक है, गिवन दैट प्रोटीन कॉरस्पॉन्ड टू 16% एंड वाटर कॉरस्पॉन्ड्स टू 70%. बोथ प्रोटीन एंड ड्राई एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्ड टू पी परसेंट. तो प्रोटीन प्लस ड्राई एलिमेंट परसेंट की क्योंकि बात कर रही है, तो प्रोटीन प्लस ड्राई P plus D is equal to P. Sorry, P की बजाय यहाँ पे इनको अलग ले लेते हैं. प्रोटीन 16%, वाटर 70%, ड्राई एलिमेंट्स क्वेश्चन मार्क, प्रोटीन प्लस ड्राई इज इक्वल टू P परसेंट. तो क्योंकि परसेंट में बात चल रही है, टोटल सम 100 होना चाहिए, तो डी कितना आ जाता है हमारा, इज इक्वल टू 30 - 16, 14%. सो पी इज 14%, सॉरी पी नहीं, डी जो है, ये डी जो है, दिस विल कम आउट टू बी 14%. क्यों? क्योंकि ये पी परसेंट जो है, प्रोटीन ही चीजें हैं, प्रोटीन, वाटर एंड ड्राई एलिमेंट्स, टोटल इनका सम 100 होना चाहिए. तो बचा यहाँ पे जो डी है, दिस विल ओनली बी 14%. क्यों? क्योंकि हमें पता है दिस प्लस दिस, मतलब ठीक है, ये सिंपल मैथ. हमें करना क्या है, इफ बोथ प्रोटीन अदर ड्राई एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्ड टू पी परसेंट, देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग पी ऑन द पाई डायग्राम. ठीक है, तो ये लेट्स से हमने एक पाई डायग्राम बनाया, ये हमारा वाटर का हो गया पार्ट 70%, और ये हमारा हो गया पी का, विच इज प्रोटीन प्लस ड्राई. तो प्रोटीन प्लस ड्राई कितना है, 30% है पी परसेंट, क्योंकि प्रोटीन प्लस ड्राई प्लस वाटर इज 100 एंड वाटर इज 70. तो प्रोटीन प्लस ड्राई, ये जो पी परसेंट है, दिस इज 30%. सो 30/100 इंटू 360, क्योंकि जो सेंट्रल एंगल है वो 360 डिग्री होता है, किसी भी पॉइंट के अराउंड जो एंगल आप गिनते हो 360 डिग्री है. तो इफ वी डू दिस, वी विल गेट ये पी का क्या सेंट्रल एंगल क्या है, 0 0 0 0 36 into 3 3 3 9 6 3 18 108. तो 108 degrees is the answer over here, 108. So Joseph visits the club on every 5th. Joseph, 5th. Harsh visits on the 24th. And Sumit visits on the 9th. All three of them meet at the club on a Sunday. ठीक है. And on which day will all three of them meet again? तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए least common multiple, LCM जिसको बोलते हैं, class 7, 8, 9 का कौन सा ये concept है. तो least common multiple हम कैसे निकालते हैं, कि भाई यहाँ पे 5 is the प्राइम नंबर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3 square इसको बोल सकते हो आप, और यहाँ पे जो देखा जाए तो 8 3 24, तो 2 cube into 3, राइट.
sorry about the ambient noise. Ambient noise seems to be the case the entire time. 2 cube into 3. राइट, तो हमें क्या क्या एलसीएम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 5 इंटू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हर एक का मिनिमम जो भी जहां भी होता है वो आपको लेना पड़ता है. तो ये कितना बना, 9 इंटू 8 इंटू 5, सो 8 5 जा 40, 9 4 जा 36, तो 360. 360 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 24 एंड 9. तो अगर ये लोग संडे को मिले तो अब इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं. सुमित 9, दे मेट ऑन अ संडे एंड नेक्स्ट दे विल मीट आफ्टर 360 डेज. ये 360 डेज हमने कैसे निकाला, एलसीएम से. तो 360 दिन में अगर आप हफ्ते के हिसाब से गिनो तो हफ्ते में होते हैं 7 दिन. तो यहां पे कितने हो गए, 51 हफ्ते प्लस 3 दिन. 51 हफ्ते प्लस 3 दिन. तो इन 51 हफ्तों के बाद जो 3 दिन है, अगर ये 51 हफ्ते ही सिर्फ होते तो दे विल नॉट मेट अगेन ऑन अ संडे. बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि संडे के बाद 3 दिन और लगेंगे. तो संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेंसडे, सो दे विल मीट ऑन अ वेडनेसडे. तो इस तरीके से आप इस सवाल को यहाँ कर सकते हैं. एंड रिलेटिवली सिंपल सवाल है ये एज कम्पेयर टू जो बाकी कुछ सवाल थे यहाँ पे. आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ द डिजिट इज 54. तो लेट अस से द टू डिजिट्स आर एक्स एंड वाई. तो डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर, तो ये टेंस वाली है और ये वंस. डिजिट्स इस तरीके से होती हैं. तो क्या हमें बोला गया है 10x प्लस वाई, दिस इज द फर्स्ट नंबर, माइनस इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 10y प्लस x, क्योंकि यही होगा ना इंटरचेंज. जब डिजिट करेंगे तो y टेंस पे आ जाएगी, x वंस पे आ जाएगी. तो ये कितना है 54. ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना बनता है ये 9x माइनस y इज इक्वल टू 54. x माइनस y इज इक्वल टू 96. राइट, तो अब सवाल क्या बनता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज नोन. तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है, तो क्या मैं इनका सम बता सकता हूँ? नॉट रियली. क्यों? क्योंकि मुझे इनका सम बताने के लिए मुझे इंडिविजुअल डिजिट्स पता करनी होंगी एंड डिजिट्स मुझे यहाँ नहीं पता है. सो लेट्स सी और क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड. तो ये तो डेफिनेटली हुआ है क्योंकि ये हमने निकाल ही लिया है. राइट, तो सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज नोन. तो अगर हमें एक्स वाई पता होगा कि एक्स वाई कितना है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, एंड क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो वी कैन सॉल्व दिस. तो इफ वी नो द प्रोडक्ट वी कैन फाइंड द सम एज वेल. सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन दिस क्वेश्चन आर करेक्ट. करेक्ट आंसर वो है बिकम्स सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x says to y, at the time of your birth I was twice as old as you are at present. If the present age of x is 42, then consider the following statements. ठीक है, x ने बोला at the time of your birth. तो x said कि x, let's say x is the age of x and y is the age of y, then x minus y, this is the age of x when y was born, right, is equal to twice as old as you are at present is equal to 2y. So
एक्स इज इक्वल टू 3y. सॉरी अबाउट दैट, तो इनको कैपिटल में ही रखते हैं. ठीक है, तो ये एक सिंपल इक्वेशन हमारे पास आ गई है. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 8 years अगो द एज ऑफ एक्स वॉज 5 times द एज ऑफ वाई. ओके, आफ्टर 14 years द एज ऑफ एक्स वुड बी 2 times द एज ऑफ वाई. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 42, एक्स इज इक्वल टू 42, तो वाई इज इक्वल टू 14. तो ये चीज़ें हमें पता चल रही हैं. तो इसके बाद ये स्टेटमेंट्स देखते हैं. 8 years अगो द एज ऑफ एक्स, 8 years अगो, 8 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा 6, एंड 8 42 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 34. तो 8 years अगो तो एज ऑफ x वॉज 5 times द एज ऑफ y, 5 times 6 इज 30, तो दिस इज नॉट करेक्ट. आफ्टर 14 years द एज ऑफ x वुड बी 2 times द एज ऑफ y. तो अगर इनमें 14 हम ऐड करेंगे, इसको हम भूल जाते हैं अब, तो y इज इक्वल टू 28 एंड x इज इक्वल टू 56. सो दिस इज करेक्ट. तो स्टेटमेंट 2 ओनली इज करेक्ट ओवर हियर एंड दैट बिकम्स द आंसर. सिंपल सी चीज़ है, जो भी उन्होंने बोला था हम उसको धीरे धीरे लिखते गए करते गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन आर्टिकल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 20%. तो x जो था उसका प्राइस 20% से डिक्रीज हो गया, तो मतलब इन टू पॉइंट 8 कि एक्स की जो, एक्स का जो प्राइस है अभी, लेट से एक्स इज द प्राइस, देन करंट प्राइस इज 80% ऑफ एक्स, क्योंकि 20% डिक्रीज हो गया. एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%. तो ये जो प्राइस है इसको 25% से इंक्रीज कर दिया गया है, तो इसको 125/100 कर दिया गया है. क्यों इंक्रीज किया है, तो 100+25%, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस. तो नेट चेंज इन द प्राइस अगर हम देखें यहाँ पे, तो 25, 4, 5, 20 × 5, 100/100, एक्स नो चेंज, तो 0%, क्योंकि जितना कम हुआ उतना ही बढ़ गया. एंड ये बेसिक अर्थमेटिक का आपका सवाल ऐसे हो गया. When a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises ones only. What is the smallest such number? तो simple सवाल है. क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, ये product जब उन्होंने बोला है 1111 ही है, तो अगर 5 digit का ये number है, 7 से multiply करोगे तो जाहिर सी बात है जो product आएगा वो 6 digit आएगा. तो 6 वंस को लेके 7 से डिवाइड कर दो एंड जो भी आपका नंबर आता है दैट इज योर आंसर, विच इन दिस केस इज दिस. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, मतलब इसको अगर सॉल्व भी करके देखो तो हमें कितना है, 1, 7, 41, 5, 35, 61. तो अब 7 या 8, 7, 7, 49, 8, 7, 56. तो यहाँ पे जैसे ही 8 आया हमें पता है कि D इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट देखा जाए. ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं जो 9th 10th क्लास के NCERTs अगर आप सर देखोगे तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट. तो 7/8 ऑफ अ जॉब टेक्स 21 days, तो मतलब फुल जॉब विल टेक 24 days. 8 को यहाँ ले गए, 7 से डिवाइड कर दिया, 24 days. ठीक है, तो हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%. तो पहले 3 दिन का काम बचा था, 3 days वर्क वॉज लेफ्ट, बट अभी क्या बोला है कि 50% से इंक्रीज कर दिया गया है काम, कि अगर टोटल काम 24 दिन का था तो अब 12 दिन का काम और बढ़ गया है, 12 days, 50% इंक्रीज हुआ है. तो सम इनका करना है आपको, 3 days + 12 days, 15 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट. अगला देखते हैं. सो कैन अ डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग अ वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग? व्हाई कैन नॉट मास वेलफेयर बी लेफ्ट एंटायरली टू द मार्केट्स? देयर इज अ बिल्ट इन टेंशन बिटवीन मार्केट्स एंड डेमोक्रेसी. मार्केट्स डू नॉट वर्क ऑन वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल एज डेमोक्रेसीज डू. व्हेन वन गेट्स आउट ऑफ द मार्केट प्लेस
what one gets out of the marketplace depends on one's endowment, skills, purchasing power, and the force of demand and supply. Markets reward individual initiative and skill, and may also lift many people from the bottom rungs of society. But some people never get the opportunity to develop skills that markets demand. They are simply too poor and too handicapped, or skill formation takes too long. By creating jobs, market may be able to help even unskilled people, but capitalism has always witnessed bursts of unemployment. So on the basis of the above passage, assumptions have been made. On kaun si assumptions valid hai, ye hame yahan pe batana hai. So let's see. Modern democracies rely on the market forces to enable them to be welfare states. Not really. यहाँ पे क्योंकि बोला ही ये है कि there's a tension between markets and democracy. क्यों? क्योंकि democracy is moving towards welfare state, but markets are not moving towards welfare state. And welfare state में सबका एक basic quality मानी जाती है, but markets obviously what gets one out of the markets is based on supply and demand. इंडिविजुअल स्किल इनिशिएटिव में ऑल्सो बट मैनी पीपल नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी. तो मतलब ये डजंट सीम लाइकली. क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेंशन की बात हो रही है. क्यों? डेमोक्रेसीज आर मूविंग टूवर्ड्स वेलफेयर स्टेट बिकॉज हर एक का इक्वल वोट है, तो दे मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, दे मस्ट बी गिवन इक्वल बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज. बट मार्केट्स डू नॉट वर्क दैट वे. मार्केट्स इंश्योर सफिशेंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव. ये भी मतलब ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर. Markets do not markets reward individual, they're simply poor to handicap. By creating jobs, market may even help unskilled people, but capitalism always witness bursts of unemployment. So effective zaruri nahi hai, doesn't seem likely. And agar ye do option aapke galat ho jate, to there is only one option left, right? Government programs are needed for those left behind in economic growth. Assumption jo chal rahi hai एंड उसमें यही है कि वेलफेयर स्टेट जो पीछे रह गए हैं लोग, जो जैसे कि यहाँ लिखा था कहाँ, बट सम पीपल नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स दैट मार्केट डिमांड. दे आर सिंपली टू पुअर, टू हैंडीकैप्ड, और स्किल फॉर्मेशन टेक्स टू लॉन्ग. सो फॉर दीज पीपल डेमोक्रेसी नीड्स टू बी अ वेलफेयर स्टेट. ये कनेक्शन आपको जोड़ना है, एंड दिस इज द अजम्पशन दैट हैज बीन मेड. सो थ्री ओनली इज द आंसर ओवर हियर. मतलब बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. इन आवर स्कूल्स वी टीच आवर चिल्ड्रन ऑल दैट इज देयर टू नो अबाउट फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री एंड व्हाट हैव यू, बट डू वी टीच देम अबाउट द बिटर कास्ट डिवाइड दैट प्लेग्स द कंट्री, अबाउट स्पेक्टर ऑफ फैमिन दैट स्टॉक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर लैंड, अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी, अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एथीइज्म एज अ चॉइस, एटसेट्रा. इक्वली इंपॉर्टेंट, डू वी टीच देम टू आस्क क्वेश्चंस, ऑफ डू वी टीच देम ओनली टू पैसिवली रिसीव आवर विजडम. फ्रॉम द कोकून वर्ल्ड ऑफ स्कूल सडनली the adolescent finds himself or herself in the unfettered world of university. Here he/she is swept up in a turmoil of ideas, influence and ideologies. For someone who has been discouraged from asking questions and forming an opinion, this transition can be painful. Okay. Central idea ki bhai kehna kya cha rahe hain aapko, basically core crux kya hai. To dekhen, school curriculum is not compatible with the expectations of children and parents. तो मतलब ये तो चिल्ड्रन पेरेंट की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे मेरे ख्याल से. स्पेक्टर ऑफ फैमिन चिल्ड्रन पेरेंट की, वी टीच आर चिल्ड्रन बोला गया है, बट एक्सपेक्टेशंस उनकी क्या है, कैसे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही. तो ए इज नॉट अप्रोप्रिएट हियर. एम्फोसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट डज नॉट गिव द टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्किल्स. मतलब ठीक है, बट आई थिंक यहाँ पे इट इज मोर oriented towards critical thinking, कि कैसे सोचा जाए ताकि मतलब यू नो कोकून सडनली, ठीक है, इट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्किल्स, नॉट डजंट सीम लाइकली. तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. कुड बी द केस, ओके, पॉसिबली. नेक्स्ट देखते हैं, टू बी अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड्स सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स इन एडिशन टू एकेडमिक कंटेंट. ये भी कहीं नहीं बोला है. ही सी स्वेप्ट अप इन टर्म फॉर समवन हु हैज बीन डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस एंड फॉर्मिंग ओपिनियन, दिस ट्रांजिशन कैन बी पेनफुल.
टू बी अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट, मतलब ये भी अगेन डाउटफुल सी चीज़ है. अब सी स्टेटमेंट सीम्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट, वाई? क्योंकि जो टोन ऑफ दिस पैसेज है दैट इज टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ कि भाई एजुकेशन सिस्टम से हमें क्या चाहिए और हम क्या दे रहे हैं, कि भाई हम अपने बच्चों को फिजिक्स मैथ्स हिस्ट्री कुछ सिखा रहे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कि भाई कास्ट डिवाइड है, कि भाई मतलब भुखमरी है, या भाई जेंडर सेंसिटिविटी किस चीज़ को बोलते हैं, एथिज़म क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बता ही नहीं रहे हैं. एंड इस चीज़ पे इस पैसेज में सवाल पूछा गया है. सो सी सीम्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ओवर हियर, दैट प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. क्योंकि ये जो पैसेज का टोन है दैट इज इंडिकेटिंग दैट ये एजुकेशन सिस्टम से आना चाहिए जो आ नहीं रहा है. एजुकेशन सिस्टम फिजिक्स मैथ्स हिस्ट्री पढ़ा रहा है बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ा पा रहा है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो बहुत बढ़िया चीज, पी क्यू आर ऐसे देख लेते हैं. एंड पी, अच्छा नहीं, कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं तो देखें क्या दिया गया है. पी क्यू एंड क्यू आर 3:5. ओके लवली, पी क्यू क्यू आर, तो ये पी, ये क्यू एंड ये आर, तो ये 3:5. इफ एन इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू इज टू पी आर, तो यहां पे अगर देखें हम तो पी क्यू बाय पी आर इज इक्वल टू 3/8, राइट? बट देर इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी, ये पी क्यू एंड आर, सॉरी आर एंड क्यू, तो पी क्यू इज 3 एंड पी आर इज 2, बट आर क्यू क्योंकि यही चीज बोली गई थी ऊपर, रेशो आपको जो दिया गया है वो है पी क्यू बाय क्यू आर इज इक्वल टू 3/5, तो पी क्यू 3/QR को अगर 5 कर दें हम तो ये इस तरीके से भी हो सकता है. तो अब अगर हम पी क्यू बाय पी आर देखें, पी क्यू बाय पी आर विल बी 3/2 इन दिस केस. तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू बाय पी आर इज 2, क्योंकि और किसी तरीके से इस अरेंजमेंट को आप बना नहीं पाओगे. तो अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा पेचीदा. इन अ चेस बोर्ड हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स बी चोजन ऑन द डायगोनल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. तो चेस बोर्ड देखें कैसा होता है. चेस बोर्ड आई एम श्योर सबने देखा है, नहीं देखा तो भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये देख लोगे आप. एक, दो, तीन, छः एंड 7. सिमिलरली 1, 2, 6, 7. अरे ये नहीं करना था, ठीक है. अरे क्या है भाई, चलो ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 8/8 का एक चेस बोर्ड है. अब देखें इसमें कि 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स टू बी चोजन ऑन द डायगोनल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं इनको बना लो, सिंपल रहता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता. तो अगर हम डायगोनल्स देखें, एक डायगोनल, तो इस डायगोनल पे तो एक ही स्क्वायर है, इस डायगोनल पे 2 स्क्वायर हैं, इस डायगोनल पे अगर हम आए 3 स्क्वायर हैं, इस डायगोनल पे अगर हम आए 4 स्क्वायर हैं, इस डायगोनल पे अगर हम आए तो 5 स्क्वायर हैं, इस डायगोनल पे जब हम आते हैं तो हमें 6 स्क्वायर मिल जाते हैं. कैसे? वन, टू, थ्री, 4, 5 एंड 6.
राइट, तो अगले डायगनल पे जब हम आएंगे तो हमें 7 मिल जाएंगे, तो क्योंकि ये इसमें सिर्फ 6 ही थे तो देर इज ओनली वन वे टू चूज दिस, बट क्योंकि अब अगले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हैं, तो देर आर टू वेज ऑफ चूजिंग दिस। फर्स्ट वे क्या हो गई कि देर इज फर्स्ट वे ऑफ चूजिंग देम इज दिस एंड द सेकेंड वे ऑफ चूजिंग देम इज दिस, तो दो तरीके हो गए इस वाले डायगनल पे। एंड अगला इसके बाद वाला हम देखें तो उस पर 8 हैं, तो 8 में कैसे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें सेकेंड वाले में 2 तरीके हैं चूज करने के, थर्ड वाले में 3 तरीके हैं चूज करने के, इस वाले में अगेन क्योंकि 7 हो जाते हैं तो देर आर टू वेज, इस वाले में अगर देखें तो फिर से अगेन वन वे, तो कितना हो गया टोटल, 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 2 + 3 = 9, बहुत बढ़िया। सो हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर बी चोजन ऑन द डायगनल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो अब ऑब्वियसली बात है क्योंकि ऐसे भी डायगनल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो 9 यहाँ पे पॉसिबल दिख रहे थे एंड टोटल अगर देखा जाए तो 9 × 2 होंगे, राइट। सो मतलब मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे 18 आंसर होना चाहिए, बट 18 इज नॉट एन ऑप्शन ओवर हियर, सो लेट्स गो विद द क्लोजेस्ट आइडिया विच इज 12, बट दिस इज समथिंग जो कि मतलब डाउटफुल सा सवाल लग रहा है क्योंकि एक गिन के हमने देखा, सो देर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ओवर हियर। जैसे 8 वाला अभी अगर हम देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें क्या क्या हमने अपने पास वो बनेंगे, तो पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्क्वायर चूज करने थे। नेक्स्ट देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेकेंड ये हो गया एंड थर्ड ऑब्वियसली हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें 3 जैसे कि हमने देखा था कि अब यहाँ पे आओगे तो इसमें भी 2 हैं, यहाँ पे आओगे तो इसमें भी 1 है, मतलब सवाल गलत पड़ रहे हैं कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स बी चोजन ऑन द डायगनल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। डायगनल पे ही कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे ही कर रहे हैं, तो 1 ये था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और क्योंकि डायगनल्स ऐसे भी हैं तो यहाँ पे भी ये चीज़ आएगी सिमिलर, तो 9 × 2 शुड बी दी आइडियल आंसर, बट किसी और को अगर समझ आ रहा है कि भाई ये किस तरीके से आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ये क्या सोच रहे थे ये लोग, तो आई एम हैप्पी टू, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले, बाकी सबको भी पता चले। तो ये इस पेपर का सबसे वाहियात सवाल था, क्यों, क्योंकि इसमें मतलब कोई दिमाग विमाग कुछ नहीं लग रहा है आपको, बस एक एक करके सारे हिट एंड ट्रायल्स है, ये जो ऑप्शंस हैं इसमें भरो, लिखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ब्ला जो भी लिखोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सीम्स टू बी डी, क्यों, क्योंकि उससे जो सीरीज बन रही है इट इज अ मच बेटर सीरीज देन बाकी सबसे जो बन रही है, सो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये मतलब ग्रंट वर्क वाली चीज़ है। कूल, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग 2, 2, 3, 3, 3 एज डिजिट्स हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फाउंड। तो हमारे पास 5 डिजिट्स हैं 2, 2, 3, 3, 3 एंड 30,000 से बड़ा नंबर बनाना है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर जो है वो 3 फिक्स हो गया, राइट। उसके बाद 4 नंबर हैं जो हमें फिल करने हैं, 1, 3 इज यूज्ड, 2, 2 और 3, 3 बचे हैं, तो पहले लेट्स से हमने 2 फिक्स कर दिया यहाँ पे एंड मतलब गिन लो ऐसे सिंपली, 2 फिक्स कर दिया तो 2, 3, 3,
बस यही हो पाएगा इसमें तो दो के बाद जब सेकंड दो या टू के बाद और थ्री एंड थ्री टू टू, तो ये अगर सेकंड नंबर टू है तो ये वाले ऑप्शंस अपने पास बनते हैं। अब सेकंड नंबर हम थ्री कर देते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनते हैं, टू टू थ्री, टू थ्री टू, थ्री टू टू, तो तीन ऑप्शन ये हो गए, तीन ऑप्शन ये हो गए, छह नंबर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड डिजिट्स हैं तो आप यही ऑप्शंस के साथ खेल सकते हो। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ फाइव कंजेकेटिव इंटीजर्स कैन बी 100, ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजेकेटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि लेट अस से द फर्स्ट इंटीजर इज एक्स, तो सम ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फोर, तो ये क्या हो गया, फाइव एक्स प्लस वन टू थ्री फोर, कितना हो गया, फोर प्लस थ्री सेवन प्लस टू, फाइव एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू 100, तो एक्स इज इक्वल टू 90/5, एक्स इज इक्वल टू 18। तो सही बात, जाहिर सी बात है, अगर 18, 19, 20, 21, 22 को हम ऐड करें तो 18 और 22 मिला के बनाएगा 40, 19 और 21 मिला के बनाएगा 40 और 20 टोटल बनाएगा 100, तो दिस इज करेक्ट, पॉसिबल है। अगला देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजेकेटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम, तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजेकेटिव नेचुरल नंबर्स, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस थ्री, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस मतलब ये प्रोडक्ट है, ये सम है, तो अब इसमें आप देखोगे तो इसमें थ्री कॉमन निकाला जा सकता है एंड थ्री कॉमन निकाल के एक्स प्लस वन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी एक बन गई, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास दो सोल्यूशन आएंगे, एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, बट थ्री कंजेकेटिव नेचुरल नंबर्स यहाँ पे बोला गया है, तो नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स में ये फर्क होता है। सो नेचुरल नंबर्स में माइनस थ्री नहीं आएगा, बट वन टू एंड थ्री आर थ्री कंजेकेटिव नेचुरल नंबर्स जिनका सम और प्रोडक्ट सेम है, सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर इज फिल्ड कम्प्लीटली विद वाटर, हाउ मेनी मिली लीटर ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन इट, नेगलेक्ट थिकनेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, मिली लीटर, राइट, एंड एक मीटर में सबको पता होता है कि भाई 100 सेंटीमीटर हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 100 × 100 × 100, तो क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब को आप ml से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाता है विच इज 1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 6 persons आर अरेंज्ड इन अ रो एंड ओके, पहले अरेंज कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 persons, अनदर पर्सन हैज़ टू शेक हैंड विद थ्री ऑफ देम सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड विद टू कंजेकेटिव पर्सन्स, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वेज कैन द हैंड शेक्स टेक प्लेस। ओके, तो बहुत ही कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, बट लेट्स से कि फर्स्ट पर्सन से आप हैंड शेक करते हो तो अगले से नहीं कर सकते, तो फिर आप सी से कर सकते हो, एंड सी से कर लिया तो फिर आप डी से नहीं कर सकते, आप ई से कर सकते हो या एफ से कर सकते हो, राइट, तो एक तो हो गया ए सी डी, सॉरी ए सी ई प्लस ए सी एफ, राइट। अब एक और ऑप्शन है कि ए के बाद आप सी की बजाय डी से कर लो, क्यों, क्योंकि कंजेकेटिव तो नहीं है तो डी पे आ गया सीधा, बट डी के बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है एफ, क्योंकि एक स्किप करना पड़ेगा, तो एक ए डी एफ, एक ही भी हो गया। नाउ अनदर वे ऑफ डूइंग दिस इज इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद ए यू कैन स्टार्ट विद बी,
बी से आपने शुरू किया तो एक ही आपके पास ऑल्टरनेटिव बचता है कि आप डी के पास जाओ एंड डी के बाद एफ पे, तो प्लस बी डी एफ। तो ये चार तरीके हो गए हमारे पास जो हम हैंडशेक कर सकते हैं। मतलब सिंपल काउंटिंग का, काउंटिंग की प्रॉब्लम है ये, लिख के एक बार देख लो तो एक मिनट दो मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगता है एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, लेट्स सी, एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। द मैक्सिमम शेयर, ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। ओके, तो लेट्स से पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। तो अगर दो लोगों के हिस्से से ज़्यादा अगर ये हिस्सा है तो जाहिर सी बात है कि ये हिस्सा जो है ये इंडिविजुअली भी दोनों से बड़ा है, क्योंकि दोनों को ऐड करके, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली कि ये पॉजिटिव्स हैं, राइट। तो अगर ये जो हिस्सा है पी सिर्फ Q और R के सम से बड़ा है तो ये भी ट्रू होगा कि P इज ग्रेटर देन Q एंड P इज ग्रेटर देन R। मतलब फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल अगर लेके हम चलें कि 50 इज ग्रेटर देन 10 प्लस 20, देन 50 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10 एंड 50 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 20। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं A गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन Q प्लस R, सो दिस इज करेक्ट। C गेट्स द मिनिमम शेयर इफ R इज लेस देन P प्लस Q। तो ये भी देख लेते हैं एक बार क्या सिचुएशन है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, तो इस सिचुएशन में ये थोड़ा केस अलग है। क्यों? क्योंकि मिनिमम शेयर यहां पे पूछा है इन्होंने, बट क्योंकि आर ऑलरेडी इस और इसके कॉम्बिनेशन से बड़ा है, बट दैट डज नॉट मीन कि आर, अब जैसे कि अगर आप पी का, पी की वैल्यू लेते हैं हम 20, इसकी वैल्यू लेते हैं हम 10 एंड आर की वैल्यू लेते हैं हम 15, तो आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू इज 30, आर इज 15, बट आर इज नॉट द लीस्ट, मिनिमम नहीं है। क्यों? क्यों मिनिमम है? तो ये एग्जाम्पल लेके हमने सॉल्व दिया तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली वन अबव एंड ये यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया, इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इसके बाद आखिरी वीडियो बची है तो उसमें भी आई विल बी मेकिंग श्योर कि भाई जो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट्स हैं उनको मैं अलग से पॉइंट आउट कर दूँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रीलिम्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस।